हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आपको आई होप याद होगा कि लास्ट वीडियो में, जो कल का वीडियो था, उसमें हमने किंगडम मोनरा, जो कि बैक्टीरियाज का किंगडम होता है, उसके बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि कैसे बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि एक किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है एग्जैक्टली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टेंट्स कौन से होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। हम कुछ ऐसे प्रोटिस्टेंट्स के डायग्राम्स भी देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा होता है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। ठीक है, तो सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। ये बेसिकली एक्वाटिक होता है और इनको हम बोलते हैं कि एक ये लिंक बनाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में। ठीक है, अब इनका क्या, इनकी बॉडी कैसी होती है, बेसिकली इनके पास बहुत ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सारे ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। सो बेसिकली इनकी बॉडी बहुत ही वेल डिफाइंड होती है, इनके पास सारे ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इंक्लूडिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब इनके पास मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला और सिलिया भी होता है, और कुछ हम प्रोटिस्टेंट्स को इसके बेसिस पर क्लासिफाई भी करते हैं। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस बेसिकली एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से करते हैं। ये सेल फ्यूजन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं और ये जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और गाइस, आप अगर आप इस टाइम पे नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं, सिर्फ समझना चाहते हैं, तो आप मेरे ये सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.onestopbiology.com से। ठीक है, तो अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये सारे नोट्स वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आपको सारा एनसीईआरटी के नोट्स, उनके सॉल्यूशंस और भी बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोटिस्टेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटिस्टेंट्स कौन से होते हैं। तो हमने बेसिकली प्रोटिस्टा को 5 अलग टाइप्स और 5 अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा है। ठीक है, जिसमें से पहला जो हमारा प्रोटिस्टन होता है वो होता है क्राइसोफाइट्स। तो पहला होता है क्राइसोफाइट्स, दूसरे हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा है यूग्लेनॉइड्स, चौथा है स्लाइम मोल्ड्स, और लास्ट होते हैं प्रोटोजोन्स। तो बेसिकली इन सब के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग हमने इनकी ग्रुपिंग करी है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट्स से। अब एग्जैक्टली क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्मिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या, फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं, और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। बेसिकली सारे ही तरीके के प्रोटिस्टेंट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये स्पेसिफिकली क्राइसोफाइट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, ये वाटर करेंट के अकॉर्डिंग फ्लोट करते हैं, और इसीलिए हम इनको प्लैंकटन भी बोलते हैं। ठीक है, अब डाई एटम्स में क्या होता है कि इनकी सेल वॉल्स जो होती हैं, वो सेल वॉल दो बहुत ही थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी होती हैं, और ये बेसिकली सिलिका की होती हैं और बहुत ही टफ, बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं। और ये डाई एटम्स क्या करते हैं कि विथ टाइम इनकी सेल वॉल्स, जैसे जैसे ये बेसिकली इनकी डेथ होती जाती है, वैसे वैसे ये एक सेल वॉल का डिपोजिशन बनता जाता है, और ये अगर हम बिलियंस ऑफ ईयर्स तक डिपॉजिट होता रहा तो ये एक अर्थ बनाता है, डायाटमेशियस अर्थ बनाता है, और ये जो सॉयल है ये यूज़ होती है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के लिए और सिरप्स के फॉर्मेशन के लिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्राइसोफाइट्स का है कि इनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस भी बोलते हैं। तो क्राइसोफाइट्स जो हैं, इनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस भी बोलते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हमारे जो दूसरे तरीके के प्रोटिस्टन्स होते हैं वो होते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इनमें फ्लैजला पाया जाता है, ठीक है? तो दो फ्लैजला होता है। एक एक करके देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। तो ये मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि क्राइसोफाइट्स गोल्डन एल्गी एक फॉर्म है या डायटम्स फॉर्म है, वैसे ही इनमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ठीक है? दो फ्लैजला होता है, एक फ्लैजला लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा उनके वॉल प्लेट्स के बीच में ट्रांसवर्सली, ठीक है? अब डिफरेंट तरीके के जो फ्लैजलेट्स हैं, जो डाइनो फ्लैजलेट्स हैं, उसमें एक है रेड डाइनो फ्लैजलेट्स, ठीक है? जिनको हम बोलते हैं कि ये बहुत तेज मल्टीप्लाई करते हैं और ये मल्टीप्लाई इतनी तेजी से करते हैं कि ये पूरी सी जहाँ पर पाए जाते हैं वो एक पूरा रेड अपियरेंस हो जाता है, ठीक है? जिनको हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं। और ये डाइनो फ्लैजलेट्स जो होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा मरीन एनिमल्स को किल भी कर सकते हैं, जैसे कि इवन फिशेस को किल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे डायनोफ्लैजेलेट्स। जो तीसरे टाइप के प्रोटिस्टन्स होते हैं वो होते हैं यूग्लेनॉइड्स। और यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं? बेसिकली यूग्लेनॉइड्स पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, स्पेसिफिकली स्टैगनेंट वाटर में, ठीक है? स्टैगनेंट वाटर में। और इनमें क्या होता है कि एक टफ सेल वॉल के बजाय, एक रिजिड सेल वॉल के बजाय एक प्रोटीन लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है? अगेन ये यूग्लेनॉइड्स में दो फ्लैजला होता है, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है? तो एक छोटा फ्लैजला और एक बड़ा फ्लैजला, अगेन वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, बट अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये एज हेटरोट्रॉप्स भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि ये दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे एज प्रिडेटर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है? और इनमें कुछ पिगमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि हायर जो प्लांट्स होते हैं उनसे आइडेंटिकल होते हैं। तो एक एग्जाम्पल है यूग्लेना, और हम क्या करेंगे कि यूग्लेना का पूरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे, एक लेबल्ड डायग्राम देखेंगे, ठीक है? तो यूग्लेना कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर में, ठीक है? और इसको हम, इसकी पूरी लेबलिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनल्स, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस। तो एक तो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है न्यूक्लियोलस, ठीक है? फिर इनके पास जो हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास है क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है? इनके पास एक स्टिग्मा है जिसको हम आई स्पॉट भी बोलते हैं, इनके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स भी हैं, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है, गॉल्जी अपैरेटस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है? इनके पास स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और लास्ट आप देख सकते हैं इनके पास एक ये बड़ा फ्लैजिला भी है, ठीक है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी वेल डेवलप्ड सेल है जिसमें कि सेल वॉल भी है, और सारे वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है? तो ये हमारा एक डिटेल स्ट्रक्चर हो गया। आपको ये स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, बहुत बड़ी बोर्ड्स में हेल्प होती है अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, या इवन आपको इससे ये समझ में आएगा जितना प्रैक्टिस करेंगे कि इनके इनके पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या फंक्शंस होंगे फिर इनके बॉडी में, ठीक है? तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम अब जो है फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटिस्टा की तरफ
चलते हैं, मैं एक बारी स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं और इनकी बॉडी जो है वो डीकेइंग ट्विग्स और लीव्स पे डिपेंड करती है, तो न्यूट्रिशन के लिए, तो जो उससे ऑर्गेनिक मटेरियल है उस पे ये न्यूट्रिएंट के लिए डिपेंड करते हैं। और सूटेबल कंडीशंस में क्या होता है कि इनकी जो है बॉडी वो ग्रो कर सकती है, जो कि जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और ये ग्रो करते हैं और बहुत सारे सेवरल फीट स्प्रेड कर सकते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है वैसे ही ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट से, और ऐसे ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। तो क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में बेसिकली ये एक प्लाज्मोडियम बना देते हैं, उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी होती है, वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और ये स्पोर्स जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है वैसे ही डेवलप कर जाती है स्लाइम मोल्ड्स में। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा टाइप है प्रोटिस्टा का वो है प्रोटोजोअन। बेसिकली ये पैरासाइट्स या प्रीडेटर्स होते हैं। अब ऐसे चार तरीके के प्रोटोजोअन्स होते हैं। पहला जो होता है एमीबॉयड प्रोटोजोअन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कुछ तो एमीबा जैसी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा इनमें। तो ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ठीक है, ये अपने स्यूडोपोडिया, तो इनमें बेसिकली एक स्यूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि एमीबा में होता है, जिससे कि प्रे कैप्चर करते हैं। ठीक है, और मरीन फॉर्म्स जो हैं उनके पास सिलिकन शेल्स होते हैं सरफेस पे, और पैरासाइट्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये पैरासाइट्स ही होते हैं प्रोटोजोअन्स या प्रीडेटर्स होते हैं। तो एक एग्जांपल है एंटामीबा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टाइप है प्रोटोजोअन का वो है फ्लैजिलेटेड, एंड जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इनके पास फ्लैजिला होता है, तो या तो ये फ्री लिविंग है या पैरासाइट है, इनके पास फ्लैजिला है। और पैरासाइट्स जो होते हैं वो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं। एक एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस, जो कि कॉज होता है, जो कि बेसिकली जो पैरासाइट है जो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस वो है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, जो तीसरा फॉर्म है वो है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। अगेन जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं कि सिलिएटेड प्रोटोजोअन मतलब इनके पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है। तो ये क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, या जो है बहुत एक्टिवली मूव करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके पास सिलिया होता है मूव करने के लिए। तो ये इवन जो है पूरा इनका कैविटी जो होती है, और ये कैसे बाहर से कैप्चर करते हैं एक किसी भी फूड को, वो जो है सिलियास के थ्रू ही करते हैं मूव करके, और इनकी जो कैविटी होती है वो ओपन हो जाती है सेल सरफेस से, और वहाँ से ये बेसिकली कैप्चर कर लेते हैं फूड को और अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो सिलिया का, वही बेसिकली इनको हेल्प करता है कि वो अंदर जो कैविटी जिसको गलेट बोलते हैं उसके अंदर स्टीयर करने में फूड को। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है पैरामीशियम, और पैरामीशियम का हम डायग्राम देखते हैं कि कैसा होता है। सो बेसिकली पैरामीशियम होता है एग्जैक्टली ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, और पैरामीशियम को हम लेबल करके भी देखते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं चारों तरफ पैरामीशियम की, यही है सिलिया जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फूड वैक्यूल, और कैसे फूड पार्टिकल ये माउथ से अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये हम एक बार लेबल करके देख लेते हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये जो आप देख रहे हैं ये है सिलिया। ठीक है, ये है पेलिकल। पेलिकल जो प्रोटीन सेल वॉल की जगह प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है। ये ओरल ग्रूव है जहाँ से खाना अंदर जा रहा है। ठीक है,
ये एक जैसे हमारे में बक्कल कैविटी होती है वैसे ही बक्कल कैविटी है। ओरल ग्रूव को हम वेस्टिब्यूलम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ये सेल माउथ है, देख रहे हैं आप कैसे सेल के अंदर जा रहा है, और वेस्ट जो है उसको बाहर निकालने के लिए इनर पोर भी होता है। सेल माउथ को हम साइटोस्टोम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो फूड वैक्यूल्स हैं, बहुत सारे साइटोप्लाज्म है, मैक्रो न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस मटेरियल भी होगा, माइक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है। कुछ रेडिएटिंग कनाल्स हैं, और वो रेडिएटिंग कनाल्स के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का, और आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे इनमें भी बहुत ही वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। जो लास्ट टाइप होता है वो होता है स्पोरोजोन्स का। अगेन पैरासाइट्स होते हैं, और ह्यूमंस में बहुत फेमस एग्जाम्पल है इनका, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं इनके इनमें भी, और ये स्पोर्स अगेन बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती है वैसे ही ये रिप्रोड्यूस करके इन्फेक्ट करते हैं। तो वैसा ही एक बहुत ही नोटोरियस बोलते हैं, बहुत ही कॉमन स्पोरोजोन है, विच इज़ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ही ह्यूमंस में मलेरिया जो डिजीज़ होती है वो कॉज करता है, इसको हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम भी होते हैं जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है इस पे ख़त्म होता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमने इसमें पढ़ा कि प्रोटिस्टा का जनरल फीचर क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, और कितने टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टेंट्स होते हैं, और उन सब का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, और हमने दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी देखे डायग्राम्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। सारे नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे वेबसाइट www.onestopbiology.com से, और प्लीज़ गाइस फीडबैक देते रहिए सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूं, सो दैट आपको मैं पढ़ाने में हेल्प करूं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में पूरा वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो दूसरा यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है जहाँ पर मैं सारे इंग्लिश के वीडियोस डालती हूँ वहाँ से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप अपडेट्स ले सकें जो भी इस चैनल पर वीडियोज़ आ रही हैं। मैं आपको बता दूँ मैं पूरा NCERT क्लास 11th एंड 12th कवर करने वाली हूँ इन डेली वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।